पापा पापा ए शिवप्रसाद बारा शिवप्रसाद ए बारा रे शिवप्रसाद। हाँ जी हाँ भाई क्या हुआ? तेरी तो मेरे पैसे कब देगा रे तू? भाई मेरी बात तो सुनिए, देखिए घर पर मेहमान है, मेरी इज्जत का तो ख्याल कीजिए प्लीज। क्या भाई कॉलेज छोड़ दीजिए, इतनी फिक्र है तो कर्जा काहे को लिया रे? कुछ दिन की मोहलत दीजिए। पैसा कब देगा ये बता मेरे को। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी का अभी पैसा चाहिए। देखिए मेरी बात तो सुनिए। क्या बात करेगा तेरे से? हाँ और क्या बोलता? बोल छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो उसे। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? चलो हम लोग बैठ के बात करते हैं। तुम्हारे भाई ने 25 कोके का कर्जा लिया है, 6 महीने से देने का नाम नहीं, 3 महीने से ऑफिस में दिख नहीं रहा है, फोन भी नहीं उठाता है, अभी क्या करूं? ये सच है कि मैंने पैसे उधार लिए हैं। दिम्मापुर में मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है, अब मार्केट में मंदी चल रही है और सेल बिल्कुल डाउन है, तो मैं इनके पैसे लौटा नहीं पाया। ठीक है, हमारे घर में शादी होने वाली है, पैसा चुकाना मुश्किल होगा, इसीलिए तो मैं वसूली करने के लिए आया। मैं पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। क्या भाई, मुझे सिर्फ 3 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। नहीं हो सकता है। देखिए ये शादी होने दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ए, मेरे को विश्वास नहीं है। देखिए आप जहां चाहो मैं साइन करने को तैयार हूं। ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ए, हाँ भाई स्टाम्प पेपर क्यों नहीं रे? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। कोई बात नहीं भैया, आप टेंशन मत लीजिए। बेटे को बोल साइन करने को। हाँ? मेरे बेटे की साइन किस लिए? तो पलटी खा गया तो, या तो टपक गया तो, कर्जा कौन चुकाएगा? बोला उसको। विनोद बेटा साइन, मैं नहीं कर सकता। साइन कर देना बेटा, मैं सब संभालूंगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं संभाल पाए तो? दिस इज टू मच प्रेशर फॉर मी, मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, सो डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। और वैसे भी आपने जो गलती की उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं नहीं करूंगा। विनोद आई एम सॉरी। तेरे छोकरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, मैं कैसे करूं? बच्चों को इसमें मत घसीटो, मैं साइन कर दूं तो ठीक रहेगा? तुम साइन करते तो मेरे को चलेगा। तुम्हारे बेटे की भी साइन चाहिए मेरे को। उम्मीद करोगे वो पैसा चुका नहीं सके, फिर ये बंगला अपने बाप का। यहां कहां रख रहे हो उसे? वहां ले जाके रखो, चलो। ए मामा गेट खोलो जल्दी। मैं नहीं खोल सकता, चाबी उनके पास है। ए, तुम लोग बहुत काम चोर हो, ठीक से काम नहीं कर सकते क्या? इधर आओ, जाओ चाबी लेके आओ, जाओ। नाराज लग रहे हैं, पूछूंगा तो डांट पड़ेगी। ए चाबी लेके आ रहे, जल्दी लाता हूं। ए अब तक टीचर क्यों नहीं आया? उससे कहो कि जल्दी आए, कितना लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। ओके सर, जाओ। ए चाबी दे। मैंने आपसे कहा था ना
बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आवाज़ पंगा ले लिया आपने। ये तो खड़े खड़े क्या कर रहा है? काम कर अपना है? ए, चावी ले क्या? ठीक है भाई। उसका थोबड़ा फोड़ डालो। जाओ जल्दी। चलो। छोड़ेंगे नहीं। डेकोरेशन खराब कर दिया तुम लोगों ने। अंकल हाँ बेटा, इसे ठीक करने में कितना टाइम जाएगा? ठीक करने में काफी वक्त लग जाएगा। बड़ी गलती कर दी। मैं पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। लक्ष्मी, शिव ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कम से कम उसे कुछ फल तो दे दो। ये पेपर पे साइन किया है, मारता काहे को है? क्या बोलने वाला था लोगों को? कि तू शिव प्रसाद के घर गया, सूद समेत पैसा लौटाने की धमकी दी और सब तेरी धमकी से डर गए। और अब तू क्या कहेगा? शिव प्रसाद के घर तूने सूद समेत पैसे मांगे तो उनके बड़े बेटे ने सबसे पहले तेरा सूद चुकता किया। सही हिसाब है ना? सही है। 3 महीने बाद आना और पैसे भेजाना।